फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे स्किन रीटचिंग का कंप्लीट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लेंगे। तो कंट्रोल जे से मैंने एक कॉपी कर लिया इसे, और उसके बाद आप कंट्रोल एल से लेवल ठीक करेंगे। कंट्रोल एल प्रेस करिए और देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ अपने लेफ्ट की तरफ। और यहाँ पर भी कोई कलर नहीं है, तो मैं इसको भी ड्रैग करके थोड़ा आगे लेकर जाऊँगा। यस, अब इसे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम लोग इस इमेज को ज़ूम करेंगे और देखेंगे कि मैन्युअली कितना काम करना पड़ेगा। तो मैं ज़ूम करता हूँ इसे, और आप भी देखिए इसके स्किन पर बहुत सारे छोटे छोटे दाग हैं और टेक्स्चर्स बहुत सारे हैं। इन सभी को हमें हटाना पड़ेगा। तो ज़ूम कर लीजिए इस तरह से, और अपने टूल बार में यहाँ से आप आएंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, और ब्रश के साइज़ को जो दाग है उससे बस थोड़ा सा बड़ा करना है। इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर इसका हार्डनेस 100% होना चाहिए, स्पेसिंग 25%, साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत होगी, मोड नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद इन सभी ऑप्शंस में कंटेंट अवेयर ही चेक होना चाहिए, और ये अनचेक रहना चाहिए सिंपल ऑल लेयर्स। और इमेज को जूम करें, ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके आप क्लिक करते चले जाएं ऐसे। फ्रेंड्स, ये मैन्युअली वर्क इसी तरह से करना पड़ता है अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये जो टेक्सचर्स को मैं हटा रहा हूँ, इसे भी आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा, और हम लोग एक आर्टिफिशियल टेक्सचर ऐड करेंगे बाद में, क्योंकि ये जो टेक्सचर है ये बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके इस स्किन पर जितने भी छोटे छोटे स्पॉट्स थे उन सभी को हमने हटा दिया। अब आप देखें कि पहले और अब में क्या चेंजेस हुए हैं। ये देखें, पहले और अब, अभी हमने सिर्फ दो स्टेप पे काम किया, एक लेवल ठीक किया और दूसरा इन छोटे छोटे दाग को स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से हटाया। अब उसके बाद यहाँ से प्रोसेस हम लोगों को चेंज करना है। सबसे पहले आप इस इमेज पर राइट क्लिक करें और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। अब उसके बाद इसकी दो कॉपी और बना लें, कंट्रोल जे से दो कॉपी हमने बना लिया। अब उसके बाद फर्स्ट वाले लेयर के आईपॉल को आप यहाँ से बंद कर दें, सेकेंड वाले लेयर पर आ जाए। इस बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये आपका सेफ जोन में जैसे ओरिजिनल इमेज है वैसे ही छोड़ दिया हमने। मैं इन तीनों लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड लेयर है। तो मैं इस पर हूँ, और इस पर रहते हुए हम लोगों का आना है फिल्टर गैलरी में, यहाँ से ब्लर में आना है, और इसको हम लोग कर देंगे गॉशियन ब्लर, और इसको ऑलमोस्ट 19% ब्लर करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी इमेज को जब आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर रेडियस 25 तक मैक्सिमम रखेंगे। 15 से 25 एक आइडियल रेंज होता है, इसके बीच में वेरी कर सकता है। मैं इस इमेज के लिए 19 पिक्सल्स रेडियस रखता हूँ, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग टॉप लेयर पर आएंगे, इसके आईबॉल को ओपन करेंगे, और सबसे पहले इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके हम लोग कर देंगे विविध लाइट पर। अब उसके बाद आ जाएंगे फिल्टर गैलरी में, यहाँ से हम लोग आएंगे अदर में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हाई पास का, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर इसका टेक्सचर हम लोग 2 पिक्सल्स रखेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि टेक्सचर हम लोग आर्टिफिशियल बनाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं है, तो 2 पिक्सल्स का रेडियस रखेंगे टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब हम लोग इस टॉप लेयर को और ये जो मिडिल लेयर है इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पर आपको लेयर मास्क लेना है, लेकिन लेयर मास्क हम लोग इनवर्स में लेंगे। तो इनवर्स में लेयर मास्क लेने का तरीका है कि अपने कीबोर्ड से आप ऑल्ट प्रेस करें और उसके बाद लेयर मास्क पे क्लिक करें। ऑल्ट प्रेस करके मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमें लेयर मास्क मिला है वो इनवर्स लेयर मास्क मिला है। आप नॉर्मली लेयर मास्क ले करके भी कंट्रोल आई प्रेस करके इनवर्स कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक काम को दो बार क्यों करें, एक ही बार में अगर आप कर सकते हैं तो। अब हमारे पास ये लेयर मास्क आ गया, हम लोग आएंगे यहाँ से ब्रश टूल पर।
अब इस बार ब्रश के हार्डनेस को 0% रखेंगे। पहले हमने रखा था 100%, अब हम लोग रखेंगे 0% और ओके कर देंगे। मोड को यहाँ पर नॉर्मल रखेंगे। ओपेसिटी और फ्लो, इन दोनों में चेंजेस करते रहना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसके फ्लो को रखता हूँ 40% और ओपेसिटी रखता हूँ 100%। इमेज को जूम करें, ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लें और इसके मेन स्किन को पेंट करें ऐसे, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ रहा है, ओरिजिनल टेक्सचर ऐसा नहीं होता है। इसकी ओपेसिटी हम लोग बाद में कम करेंगे। तो जो मेन स्किन जहाँ जहाँ पर बड़ा एरिया है वहाँ पर हम लोग 100% ओपेसिटी से पेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके ओपेसिटी को कम करेंगे 50% और फ्लो को कम करेंगे 10%। ब्रश के साइज़ को छोटा करेंगे और इसके एजेस को पेंट करेंगे ऐसे। आईब्रो के आसपास या जहाँ पर एजेस हों वहाँ पर इस ओपेसिटी को और कम कर दें ताकि और बेहतर रिजल्ट मिल सके। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ऑलमोस्ट 20% ओपेसिटी। फ्लो को मैं कर देता हूँ 5% और ब्रश के साइज़ को छोटा करेंगे, इमेज को जूम करेंगे और इस तरह से पेंट करेंगे आप। फ्रेंड्स ध्यान रखें, बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा आपको। अब एजेस पे काम कर लिया हमने, ओपेसिटी वापस कर देते हैं 30% के आसपास। फ्लो को कर दें आप 10% और ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करें और इस हिस्से को अब अच्छे से पेंट कर दें। अब ओपेसिटी मैं कर देता हूँ वापस 50% और फ्लो को आप 15% या 20% कर सकते हैं। इसको हटाने के लिए ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा आप जूम कर लें और इस हिस्से को भी पेंट करें। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन हिस्सों पर भी करने के लिए ओपेसिटी कम करना पड़ेगा आपको। ओपेसिटी कर दें इसको ऑलमोस्ट 10% और उसके बाद यहाँ से आप कर दें इसको 2% मैक्सिमम। ब्रश के साइज़ को छोटा ही रखें और इस हिस्से को भी आप पेंट ज़रूर कर दें। यस, अब ये पूरा पेंट हो जाने के बाद नॉर्मली आपको इसकी ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी ऑलमोस्ट आप 70-60% के आसपास रख सकते हैं। मैं 70% करके देखता हूँ पहले। आई थिंक ये भी थोड़ा ज़्यादा है, इसे और कम करते हैं हम लोग 60%। अब ये 60% ओपेसिटी कर देने के बाद हमें एक ओरिजिनल लुक दिख रहा है। हालांकि इसको और भी कम कर सकते हैं, 50% कर दें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ठीक है। अब ये हो जाने के बाद हम लोगों को इन सभी लेयर्स का एक स्नैपशॉट लेना होगा। स्नैपशॉट लेने के लिए मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करेंगे तो सभी लेयर का स्नैपशॉट मिल जाएगा। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करके एक स्नैपशॉट लेता हूँ। यस, स्नैपशॉट लेने से फ़ायदा अब ये हुआ कि यहाँ पर अब हमारा बैकग्राउंड बन गया। अब नीचे वाले लेयर से हमें कोई मतलब नहीं है, अब जो भी वर्क होगा इसके ऊपर होगा। तो मैं कंट्रोल जैसे एक कॉपी बना लेता हूँ। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से आएंगे एडजस्टमेंट लेयर पर और हम लोग क्लिक करेंगे ह्यू एंड सेचुरेशन पर। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आप सिर्फ इसके मोड को चेंज करके सॉफ्ट लाइट पे कन्वर्ट कर दें। अब उसके बाद आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऑलमोस्ट 20% के आसपास। इसके लाइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग क्योंकि ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5% कम कर देंगे। ह्यू में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हालांकि अगर इसका लुक कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको इधर उधर चेंजेस कर सकते हैं कलर चेंज करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमें कुछ दूसरा नहीं चाहिए तो हम लोग 0 पर ही रखेंगे और इसे बंद कर दीजिए। अब इसकी ओपेसिटी को मैनेज कर लेते हैं ऑलमोस्ट 80-70% के आसपास। मैं 80% करता हूँ अच्छा लुक देने के लिए। एक बार हम लोग फिर से ह्यू एंड सैचुरेशन लेंगे यहाँ पे और क्लिक करेंगे इस पर। इस बार हम लोग इसके मोड को चेंज करेंगे कलर बर्न और इसके फिल कलर को कम कर देंगे ऑलमोस्ट 5%। और एक बार फिर से आप आएंगे एडजस्टमेंट लेयर पर, इस बार फिर से ह्यू एंड सैचुरेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस बार इसके मोड को कर देंगे कलर डॉज यहाँ से, और इसके फिल को कर देंगे 5%। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से एक स्नैपशॉट फिर से लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई प्रेस करके
स्नैपशॉट फिर से लेंगे और कंट्रोल जे से कॉपी कर दीजिए। इस लेयर को राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें और आप फिर से एक बार फिल्टर गैलरी में आएंगे और यहाँ से इस बार हम लोग शार्पेन करेंगे, शार्पेन स्मार्ट शार्पेन। इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ लाइए और इसके आईब्रो एंड आईज को ध्यान से देखेंगे। इसके अमाउंट को ऑलमोस्ट 88% मैंने रखा है। इसको अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो ओरिजिनल लुक ये है और अगर आप इसको पूरा बढ़ा देंगे तो पूरा शार्पन ऐसे हो जाएगा। तो हमें शार्पन करना है आईज एंड आईब्रोज को, तो इसको मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 88% या 85% के आसपास कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं कर देता हूँ इसको 80% और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हमने इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि हमें स्मार्ट फिल्टर्स मिल सके। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई से इसको इन्वर्स कर देंगे। कंट्रोल आई प्रेस करें कीबोर्ड से, इन्वर्स कर दें और यहाँ से आप ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इस इमेज को जूम कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओपेसिटी 50% रखेंगे और फ्लो को ऑलमोस्ट 20% या 30% के आसपास रख सकते हैं। इस लेयर को एक्टिव रखते हुए वाइट कलर ऊपर करेंगे और इसके आईबॉल को पेंट करेंगे आप ऐसे, यस। अब उसके बाद इसके आईब्रो को भी पेंट करेंगे। अब एक एक हेयर को अलग अलग दिखाने के लिए ब्रश के साइज को छोटा करिए और एक एक हेयर को अलग अलग पेंट करेंगे। इस हिस्से को भी थोड़ा सा पेंट कर दें आप ताकि निकल के आ जाए और उसके बाद अब इसे पेंट करते हैं हम लोग। अब क्या चेंजेस हुआ है इन सभी को आप ग्रुप में करके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ इसे और देखिए कि पहले और अब में क्या चेंजेस हुआ है। ये देखिए पहले और अब। फ्रेंड्स इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जिसको आप कर सकते हैं, जैसे इसके लिपस्टिक का कलर है, इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा आप लाइटन कर सकते हैं, इसमें कलर ऐड कर सकते हैं और इसमें कर्व को भी थोड़ा सा यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जितना कर दिया गया है ये काफ़ी है, इसमें भी एक अच्छी तस्वीर मिल सकती है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह के एडिटिंग सीखना तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आकर एडमिशन ले सकते हैं। ये दिल्ली में है और नोएडा में है, और अगर आप दिल्ली नोएडा में नहीं रहते हैं तो मेरे प्रीमियम क्लासेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।